आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि ये वेक्टर बराबर आई कैप धन जे कैप धन के कैप, ये माफ कीजिएगा एक कैप है, और बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप धन 3k कैप, और सी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप धन k कैप, तो निम्नलिखित ज्ञात करें। p वेक्टर मतलब p सदिश जो a सदिश और b सदिश दोनों पर लंब है, एवं p सदिश और c सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है, वो 15 के बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, p वेक्टर को मैं मान लेता हूँ, p सदिश को मान लेता हूँ, वो क्या है x i कैप धन y j कैप धन z k कैप, और हमको जो है x धन y, x और y और z का मान निकालना है। अगर मैं ये निकाल लूंगा तो मैं p सदिश का मान बता सकता हूँ, मतलब p वेक्टर का मान। तो देखिए हमको दिया गया है कि p a और b दोनों पर लंब है, तो अगर p a वेक्टर पे लंब है p वेक्टर, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, अदिश गुणनफल होगा, वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। क्यों? चूंकि जब हम किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये क्या आता है, पहले वेक्टर का मापांक गुणा दूसरे वेक्टर का मापांक गुणा कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल, और हमको पता है कि ये दोनों लंब हैं, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री बराबर कितना होता है, जीरो होता है। तो अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर लंब हुए तो इनका जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा अदिश गुणनफल, तो ये जीरो के बराबर आएगा। ठीक है, तो अगर ये जीरो के बराबर आ रहा है तो देखिए p वेक्टर कितना है, x i कैप धन y j कैप धन z k कैप, ठीक है, और ये वेक्टर क्या है, i कैप धन j कैप धन k कैप, तो ये बराबर जीरो। तो देखिए x i का i के साथ होगा, j के साथ, k के साथ, क्योंकि और सब जीरो आ जाते हैं, क्योंकि i का जब मैं j के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो i और j क्या होंगे, एक दूसरे के लंब होंगे। तो हमको पता ही है कि अगर दो वेक्टर लंब हो तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो एक्स आई का आई के साथ एक्स, वाई जे का जे के साथ वाई, और जे के का के साथ जे, तो एक्स धन वाई धन जेड बराबर जीरो, ये मेरा समीकरण नंबर एक बन गया। अब देखिए पी डॉट बी बराबर भी जीरो है, क्योंकि पी और बी भी दोनों पर लंब है, तो ये भी हो जाएगा एक्स आई कैप धन वाई जे कैप धन जेड के कैप, और देखिए b क्या है हमारा, b क्या है 2i कैप ऋण j कैप धन 3k कैप। ठीक है, तो देखिए x का 2 के साथ तो 2x, y j का माइनस j के साथ तो माइनस y, z k का 3k के साथ तो 3z, 2x ऋण y धन 3z बराबर 0, ये मेरा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखिए p डॉट c कितना दिया है, 15 दिया है। ठीक है, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिखूंगा, एक्स आई कैप धन वाई जे कैप धन जेड के कैप, और सी वेक्टर मेरा क्या है, आई कैप ऋण दो जे कैप धन के कैप। ठीक है, तो ये बराबर 15 के है। तो अब देखिए एक्स आई का आई के साथ एक्स, वाई जे का माइनस दो के दो जे के साथ तो माइनस दो वाई, और जे के का के साथ धन जेड बराबर 15 के, ये मेरा समीकरण नंबर 3 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो है समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ दूंगा। ठीक है, पहला समीकरण धन दूसरा समीकरण, तो देखिए मेरा क्या आएगा, x धन y धन z बराबर 0, और दूसरा क्या है 2x ऋण y धन 3z बराबर 0 के, इनको जब मैं जोड़ूंगा तो देखिए y से y कट गया, तो ये क्या बचा, ये मेरा बचा 3x धन 4z बराबर 0 के, तो यहाँ से मेरा z का मान कितना आ गया, माइनस 3x बटे 4। ठीक है, ये मेरा z का मान आ गया। अब मैं जो है जेड का मान समीकरण नंबर एक में रख दूंगा, तो एक्स धन वाई और जेड का मान माइनस 3x बटे 4 बराबर 0 के, तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक लूंगा तो क्या हो जाएगा, 4x धन 4y ऋण 3x बराबर 0 के, तो देखिए x धन 4y बराबर 0 के, तो y बराबर कितना आ गया मेरा, y बराबर माइनस x बटे 4। ठीक है, अब देखिए मेरे पास जो है जेड का मान भी x के पदों में आ गया, y का मान भी x के पदों में आ गया, तो मैं y और z का मान समीकरण नंबर 3 में रख दूंगा। तो देखिए x ऋण 2y माइनस 2 गुणा y कितना है हमारे पास, y हमारे पास है माइनस x बटे 4, धन z कितना है माइनस 3x बटे 4 बराबर 15 के। ठीक है, अब मैं इनका लघुत्तम समापवर्तक लूंगा तो देखिए 4, तो ये 4 से गुणा हो जाएगा 4x। अब देखिए 4 से 4 तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 2 गुणा माइनस x
धन दो एक्स। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, चार को चार से भाग दूंगा तो एक, तो यहाँ पे ऋण 3x बराबर 15 के। अब देखिए चार में दो जोड़ेंगे तो 4x, में 2x जोड़ेंगे तो 6x, 6x में से 3x या 3x, 3x बराबर 15 चौके 60, तो 3 9 6 0, तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया हमारे पास। अगर मेरे पास x बराबर 20 आ गया तो मेरे पास y का मान कितना आ जाएगा, -x/4, तो -20/4, तो y का मान -5। और मेरे पास z का मान कितना आ जाएगा, -3x/4, तो -3/4 गुणे 20, तो 4 5 20, जेड का मान -15 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास p वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, x i कैप, तो x कितना आया मेरे पास 20 i कैप, धन y j कैप, तो y -5 j कैप, धन जेड k कैप, और जेड मेरे पास कितना आया है -15, तो -15 k कैप। तो ये मेरा p वेक्टर मतलब p सदिश हो गया, और हमको सवाल में यही पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।